अब हमारा अगला ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इन कंडीशन के साथ ही उनका ख्याल है, तो मैं नीचे की चीज़ें इसी बताने वाला हूँ। और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ ताकि हमको डायरेक्टली जो आउटपुट है उसको पता चले कि क्या है लॉजिकल। अब मैं यहाँ कर देता हूँ ए ग्रेटर देन बी, जो हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर है उसका, तो उसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा था कि ट्रू। अब मैं यहाँ कर दूँ कि एंड एंड ए, मैं यहाँ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ सी, चाहे मैं इसकी वैल्यू 11 कर देता हूँ और ए ग्रेटर देन सी ऐसा कर देता हूँ। बीच में मैंने लगा दिया डबल, ये जो मार्क है ये, तो ये दोनों मार्क का मीनिंग होता है एंड। अब मैं इसको रन करता हूँ तो फॉल्स आया। अब इसका मीनिंग क्या है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। इसको मैं यहाँ स्पेस बीच में छोड़ देता हूँ, ये थोड़ा कट गया है। तो यहाँ ये लिखा है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वो रिटर्न करेगा ट्रू, बाकी सभी केसेस में वो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो मतलब एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स, तो वो रिटर्न करेगा ओवरऑल फॉल्स। एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन हमारी होनी चाहिए ट्रू, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब दूसरी चीज़ है और, सिंपल दो पाइप्स बीच में आएंगे, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, तो हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर आएगा ट्रू, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारे जो कितने टाइप्स के हैं यहाँ कमेंट करके दिख लो, तो ये हमारा हुआ एंड, तो ये हमारा हुआ और, एक हमारा है नॉट। इसका मतलब है कि नॉट हमको जहाँ भी उसका यूज़ करना है नॉट का, जैसे कि मैं यहाँ चेक करवाना चाहता हूँ ए इक्वल टू बी, तो यहाँ इसका आंसर आएगा फॉल्स क्योंकि ये बी के इक्वल टू नहीं है। अगर मैं यहाँ कर दूँ नॉट, अगर इसका मीनिंग है कि ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के नॉट इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो हाँ ऑब्वियसली वो नॉट इक्वल ही है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ अब ट्रू रिटर्न होगी। तो नॉट का यही मीनिंग है कि अब ये ट्रू यहाँ हो रहा है कि ये चीज़ नॉट है, कि नॉट इक्वल टू चेक करवाने के लिए कि दोनों सेम नहीं है तो हम नॉट इक्वल टू लिखेंगे, अगर सेम है ये चेक करवाने के लिए हम डबल इक्वल टू लिखेंगे। तो नॉट का मीनिंग यही है। तो ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स, और यहाँ है हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसको हम ले लेते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस को बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसका काम है कोई भी वेरिएबल है उसमें एक उसकी वैल्यू जो है एक से बढ़ाना इंक्रीमेंट का, और डिक्रीमेंट का मतलब है एक से उसकी वैल्यू घटाना। जैसे कि ए प्लस प्लस में करता हूँ तो अब 9 है उसकी वैल्यू, तो अब उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर अगर मैं ए माइनस माइनस करता हूँ तो अगर उसकी वैल्यू अभी 10 थी जो बढ़ाने के बाद 10 थी, तो वापस उसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। या इसको मैं हटा दूँ तो ऑलरेडी उसकी जो वैल्यू 9 थी अब वो हो जाएगी 8, क्योंकि ये एक उसकी वैल्यू घटा रहा है। उसमें भी दो टाइप्स है, या तो आप प्लस प्लस ए लिखो या ए प्लस प्लस लिखो, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो अगर मैं प्लस प्लस ए लिखूँ तो वो क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ इंट सी, उसमें मैं क्या कर देता हूँ ए प्लस प्लस वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ, डायरेक्ट ही मैं प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ मैं ए प्लस प्लस प्रिंट करता हूँ, अब इसका मीनिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ 9 ही प्रिंट हुआ जो कि ए की वैल्यू थी, तो यह मैंने पीछे प्लस प्लस लिखा तो उसकी वैल्यू बढ़ी नहीं। अब मैं यहाँ अब की ए की वैल्यू है उसको मैं फिर से प्रिंट करवा देता हूँ नीचे, ए की वैल्यू जो है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने ए प्लस प्लस लिखा तो उसकी वैल्यू एक बढ़ जानी चाहिए थी, और लेकिन यहाँ ए की वैल्यू नहीं बढ़ी, लेकिन दूसरी लाइन में हम जब ने लिखा ए की वैल्यू प्रिंट की तो उसकी वैल्यू एक से बढ़ गई।
क्योंकि जो अगर हम प्लस प्लस बाद में लिखते हैं यहाँ, जैसे मैं कमेंट करके समझा तो ये प्लस प्लस, तो क्या होता है पहले लेफ्ट साइड से देखें तो पहले ए की वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट होगी और फिर ये जो इंक्रीमेंट है वो होगा। अगर मैं ये इसको आगे लिख लूँ तो फिर लेफ्ट से देखें तो पहले इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट के बाद उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी और वो ए की वैल्यू है अब वो प्रिंट होगी जो कि 10 है। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो दोनों 10 10 आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों फ़र्क है कि हमको ए प्लस प्लस लिखते हैं और प्लस प्लस ए लिखते हैं। तो हमको जब यहाँ मैं एक तीसरा वेरिएबल देता हूँ इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस और मैं करवा देता हूँ सी को ही प्रिंट। तो यहाँ मैंने सी लिया हुआ है इसीलिए एरर देता है, मैं डी ले लेता हूँ यहाँ और यहाँ डी को ही प्रिंट करवा देता हूँ। तो अगर ए प्लस प्लस किया तो लेफ्ट से देखें तो सबसे पहले जो ए की वैल्यू है वो डी में कॉपी हो जाएगी जो कि 9 है। ए की वैल्यू अब 9 है तो डी में कॉपी हो जाएगी और वही चीज़ हम प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब प्रिंट होगा हमारा 9 और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा ए के अंदर, मतलब ए की वैल्यू तो 10 हो जाएगी लेकिन पहली जो वैल्यू है वो डी में ऑलरेडी कॉपी हो गई थी और वो वही वैल्यू उसमें डी के अंदर रहेगी, इंक्रीमेंट के बाद वाली वैल्यू डी के अंदर नहीं आएगी। तो इसको मैं रन करूँ इसकी वैल्यू 9 आ रही है, तो इसको अगर मैं कर लेता हूँ प्लस प्लस है तो पहले ए की वैल्यू बढ़ेगी और वो बढ़ी हुई वैल्यू है जो वो डी के अंदर जाएगी। तो इसको मैं रन करूँ तो हमारा आंसर आएगा 10। तो ये आपको समझना है, ऐसे ही मैं माइनस माइनस करता हूँ पहले, तो पहले उसकी वैल्यू माइनस आएगी हो जाएगी फिर होगा, अगर ए माइनस माइनस करता हूँ तो वैसे ही सिंपल मेरा आंसर आएगा 9 जो कि ऑलरेडी है क्योंकि बाद में वो डिक्रीमेंट होगा। तो ये हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये बिट वाइज और शिफ्टिंग ऑपरेटर है जो कि हमारे बाइनरी में काम करते हैं, या तो समझ लो कि वो 2 की पावर बढ़ाते हैं या घटाते हैं। जैसे कि हमारा एक नंबर है इंट ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 5। अब मैं कर लेता हूँ प्रिंट, ए एंड बी। अब हमारे जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो क्या है, जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। ये जो हमारे है नॉट का तो पता नहीं, लेकिन ये जो हमारे एंड और है ये मेनली बिट वाइज ऑपरेटर है। इसका यूज़ हम जनरली प्रोग्राम्स में तो नहीं आता है लेकिन आगे आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे जो अभी प्रैक्टिस करने वाले उसमें नहीं आएगा, जैसे ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें डीप में वो चीज़ कवर कर लेंगे, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको दो चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ ताकि डेटा टाइप्स के जो टाइप है, ऑपरेटर्स के जो टाइप है उसके अंदर आपकी वो चीज़ कवर हो जाए। अब मैंने यहाँ किया ए एंड बी, तो इसका आंसर दे सकते हैं हम, प्रिंट देखते हैं कि इसका आंसर कैसा था। 1 आया, मतलब ए एंड बी तो दोनों से छोटा नंबर आया। अब उसको एडिशन हुआ सब्ट्रैक्शन हुआ किसी भी तरीके से वो नहीं हो रहा है, दरअसल वो चीज़ हो रही है हमारी बाइनरी में। मैं कमेंट करके आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। तो अगर मैं 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो उसका जो बाइनरी होगा वो 011 होगा, अगर मैं 5 को बाइनरी में करूँगा तो 101। आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी, या तो आप Google पे भी सर्च सकते हैं। सिंपली एक मेथड ही है उसका और वही आपको याद रखना है, और छोटी छोटी जो नंबर्स है वो तो आप डायरेक्टली आसानी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, जो ऊपर वाला डिजिट है उसको नीचे वाले डिजिट से हम एंड, यहाँ हमने यूज़ किया तो हम उसको एंड करेंगे। एंड का मतलब ये है कि दोनों अगर 1 है, ये और ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों 1 है तो उसका आंसर आएगा 1, वरना उसका आंसर आएगा 0। तो ये हमारा लास्ट डिजिट तो दोनों 1 है तो 1, तो 1 0 1 0, और आगे वाले डिजिट का 1 0 है तो वो 0 और उसके आगे वाले भी 0, तो ये उसका आंसर है 011। और इसको हम वापस डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये जो वैल्यू है इसका रन में आप देख सकते हैं 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 7, तो अब इसका अगर बाइनरी करें, ऊपर 3 का हमने सेम रखा है 7 का, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी 11 तो 1, तो ये इसका आंसर आना चाहिए हमारा 3। तो इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये सही आ रहा है, आप देख सकते हैं ये 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ और का यूज़ करता हूँ, अगर और का यूज़ करता हूँ मतलब कि अगर दोनों में से कोई भी एक 1 है तो 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है तो ये 1 होना ही है, ये भी 1 है
ये भी वन है तो ये भी वन हो जाएगा, और ये ज़ीरो है ये वन है तो भी ये वन हो जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 7। तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर है 7। एक चीज़ आप वो मैथमेटिकली एक लॉजिकली चीज़ है कि एंड जब करते हैं तो जो छोटा नंबर होता है उससे या तो इक्वल या तो छोटी वैल्यू आती है, और जब और करते हैं तो बड़ा नंबर जो है उसके इक्वल या तो उससे बड़ी वैल्यू आती है। तो अगर मैं यहाँ ज़ीरो कर दूँ तो ये जो दरअसल एक नंबर है 5 का बाइनरी, और इसको मैं बात करूँगा और तो भी ये तीनों वन ही आएगा, मतलब इन जो और है ए और बी उसका आंसर भी आएगा 7। तो फिर से इसका आंसर आ गया 7। तो और करते वक्त या तो उसकी वैल्यू सेम इक्वल आएगी बड़े नंबर से या तो उससे बड़ी आएगी, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ समझनी है, इसको याद रखने की या उतना यूज़ भी अभी इसका नहीं है। तो हमारे ये ऑपरेटर्स थे जिसमें हमने देख लिए। दूसरी बात है, अगर मल्टीपल ऑपरेटर हम एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि आप एक फॉर्मूला लिख रहे हैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसा हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो हम पहले करेंगे ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी इंटू बी अपॉन 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ इंट ए और बी को हमने डिफाइन नहीं किया तो कर लेते फटाफट, ए इज इक्वल टू 3 कर लेते और बी इज इक्वल टू 2 कर लेते ताकि आसानी हो। तो बी इज इक्वल टू, तो अगर हम पहले इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 9 प्लस 4 होता है 13 और अपॉन 2ab मतलब 6 × 12, तो 13/12 तो 1 point something इसका आंसर आना चाहिए, और इसको हम स्टोर करवा रहे हैं इंटीजर में, चलो इसको इंटीजर में रखते हैं, तो इसका आंसर हमारा आना चाहिए 1 अगर इंटीजर पार्ट है उसका आंसर, क्योंकि 1 point something वैल्यू आ रही है और उसको हम एक इंटीजर डेटा टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, तो 1 point something जो वैल्यूज़ है उसका इंटीजर पार्ट है वही रिजल्ट के अंदर यहाँ स्टोर होएगा, तो उसका इंटीजर पार्ट है 1, तो इसका आंसर आना चाहिए 1। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट नहीं करवाते, फिर से कर देते, ये प्रिंट करना ही भूल गए, तो रिज़ल्ट को हम प्रिंट करवा देते हैं और देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आ रहा है 21। तो ये हमारा बहुत एक एसोसिएविटी और या जो हमारी मेथड्स होती है लिखने की उसमें चीज़ है, क्योंकि एसोसिएविटी का क्या होता है, हमने जिस तरह से फॉर्मूला देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ये चीज़ ऐसे नहीं होगी कि पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्यूटर अपने आप से नहीं समझेगा, पहले ये करना है फिर ये करना है फिर इसको डिवाइड करके, हर एक चीज़ के एक रूल्स होते हैं कि पहले डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो पहले किन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये इसके साथ डिवाइड में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पहले कौन सी हमारा ऑपरेशन है या कौन सी कैलकुलेशन करनी है, उसका एक ऑर्डर होता है जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ के कारण उसने पहले क्या किया, ए स्क्वायर किया फिर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 किया, फिर उसका जो आंसर आया उसके इंटू ए इंटू बी किया, मतलब जो ए इंटू बी है जो ये डिनोमिनेटर वाला वो दरअसल बी स्क्वायर से डिवाइड नहीं हुआ बल्कि बी स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई हुआ है वो चीज़, तो उसका आंसर गलत आया और उसके बाद फिर उसमें ए स्क्वायर ऐड हुआ, तो टोटल हमारी जो कैलकुलेशन है वो गलत हुई है। तो उससे बचने के लिए सिंपली हमको ब्रैकेट लगाने की एक आदत रखनी है, ताकि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको वो कैलकुलेट करेगा, जो यहाँ 2 है सबसे पहले वो आगे वाली टर्म से डिवाइड नहीं होगा, पहले ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी फिर पूरी की पूरी चीज़ इससे डिवाइड होने वाली है, तो पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ करेंगे तो इसका अब आंसर आना चाहिए 1। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आया 1। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है आगे वाले प्रोग्राम्स में, जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा, और आगे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आने वाला है, और बिल्कुल बिगिनियर फ्रेंडली, आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैं अच्छे से सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कॉमेंट में आप ज़रूर बताएं, मैं वीडियो भी बना दूंगा, आपका डाउट भी सोल्व कर दूंगा, आपकी सारी चीज़ें वो यहाँ सोल्व हो जाएगी बिल्कुल बिगिनियर फ्रेंडली। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब नए जो वीडियो है उसमें आगे हम जावा कवर करने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।